मध्य प्रदेश स्थित नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज। रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला तथा पेरम्बूर। अंडमान और निकोबार की राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर। यूरी पनबिजली परियोजना अवस्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में। शिमला से जुड़ा राष्ट्रीय राज्य मार्ग जो भारत को तिब्बत से जोड़ती है? NH22। पार्क स्ट्रेट पार्क जलडमरू मध्य कहाँ से सबसे नजदीक है? तमिलनाडु। टीटागढ़ जाना जाता है? कागज उद्योग। भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? प्रयागराज इलाहाबाद। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? कर्नाटक। कौन सा राज्य गैर शहतूत नान मलवारी रेशम उत्पादित करता है? उड़ीसा। किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? चावल। हरित क्रांति की सफलता का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता है लेकिन पानी का जमाव नहीं? चाय। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है? स्थानांतरित कृषि व्यवस्था से। खरीफ फसल काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? जलोढ़ मिट्टी। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? छाल से। उस तिलहन फसल का नाम बताएं जो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाती है? तोरिया। भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ होता है? अजमेर की पुष्कर घाटी। टीक बहुत ज्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होती है? मध्य भारत। भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? जम्मू और कश्मीर। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ पर स्थित है? बिहार। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जन किस वस्तु के निर्यात से होता है? मसाले। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको को पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हमारे नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको मिस नहीं हो पाए।